एक गरीब पठान का घर पुड़ते पुड़ते खुश आमदीद खुश आमदीद आइए आइए जनाब और बताइए सफर कैसा रहा जनाब जियाउद्दीन साहब अब तक तो अच्छी कट गई पर अब मुझे आगे जाने का इंतजार है पानी लीजिए हाँ। अरे भाई कंडोली में नहीं साफ ग्लास में पानी दो ना 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 हेत सम रखेगी पठान कंडोली में ही पानी पीता है माशाल्लाह ये हुई ना बात बस अब अगर आप शलवार कमीज पहन ले तो पूरे पठान लगेंगे वो तो ठीक है पर अब मुझे काबुल और वहां से सोवियत रूस तक ले जाने का क्या इंतजाम हुआ है तशरीफ रखिए अभी तो आप आ ही रहे हैं वो भी हो जाएगा हो जाएगा देखिए हफ्ते भर में खबर फैल जाएगी कि मैं कलकत्ते से निकल चुका हूं उससे पहले पहले मेरा रूस पहुंचना बेहद जरूरी है आपने पार्टी की तरफ से किसी को मॉस्को भेजा है कि नहीं भेजा था कॉमरेड राम किशन और सरदार अचर सिंह चीमा को भेजा था मगर वो ऐसा हुआ कि यहां आते ही मुझे पता लगा कि अमू दरिया पार करते वक्त कॉमरेड राम किशन डूब गया और सरदार अचर सिंह चीमा को रूसी सरहदी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया यानी अभी तक रूसियों से कांटेक्ट ही नहीं हुआ हो जाएगा सुभाष बाबू कीर्ति किसान पार्टी के कॉमरेड भगत राम तलवार का रूसियों से बड़ा अच्छा रिश्ता है वही आपको काबुल और वहां से मास्को ले जाएगा ना 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 अरे मैंने तो पूरे गांव वालों को बोल दिया है कि मैं जा रहा हूं कॉमरेड बोस के साथ मास्को क्या आपने सारे गांव को बता दिया और किस किस को पता है कि सुभाष बोस यहां है यह तो अंडरग्राउंड का तरीका नहीं हुआ कॉमरेड मां वो बखाई माफी चाहता हूं लेकिन आपकी पोशाक का इंतजाम हो गया इतने बड़े देशनायक और इतने दिनों से चुप हैं सुभाष बाबू गूंगे हो गए हैं क्या गूंगे नहीं हुए हैं उन्होंने मौन व्रत लिया है गांधी जी भी तो हर मंगलवार को मौन व्रत रखते हैं कि नहीं पर सुभाष चंद्र बोस गांधी नहीं है उनकी आवाज कोई नहीं दबा सकता और कुछ नहीं तो वो यही बताएं कि वो इतने दिनों से खामोश क्यों है आप अपना यही सवाल लिख कर क्यों नहीं दे देते अगर वो ध्यान में नहीं हुए तो फौरन उत्तर दे देंगे अब तो आप पूरे पठान लगते हैं पर कबायली इतने नहाए धोए नहीं होते फिक्र मत खवा बस यार रोज दिन रात यही कपड़े पहने रहिए बिल्कुल कबायली पठान लगने लगेंगे वो को रहागा कॉमरेड भगत राम तलवार दे आवाज खानिया राजा पुरते राजा ये रूस तक जाने में आपकी मदद करेगा सूर सलाम सलाम रस रस सुभाष बाबू यह है कॉमरेड भगत राम तलवार बड़ी कुर्बानियां दी इनके खानदान ने इनके बड़े भाई हरकिशन को तो फांसी हुई थी मैंने बहुत सुना है शहीद हरकिशन तलवार की बहादुरी के बारे में भगत राम जी इसीलिए शायद सोचता था कि भगत राम कोई लंबा चौड़ा पठान होगा इनके खत पे ना जाइए ये जितने जमीन के ऊपर है उतने जमीन के नीचे भी अब जैसे भी हैं अब से आपके भांजे रहमत खान और आप है तुम्हारे मामू खान मोहम्मद जियाउद्दीन खान अपने मामू को सलाम करो से दे अब आपको जवाब में कहना है पखैर वो से जोड़ वो से खैर दे नसीब शाह पखैर वो से जोड़ वो से खैर दे नसीब ना 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 मुंह खुलते राज भी खुल जाएगा अब दो दिन में तो पश्तो मैं भी नहीं सिखा पाऊंगा आपको अगर ऐसा हो ये कुछ नहीं बोले तो कमाल की बात करते अब इंसान है तो बोलेगा ही ना कॉमरेड लेकिन इंसान गूंगा भी तो होता है अच्छी नजर है वल्लाह मैं कहूंगा कि मामू की आवाज चली गई इलाज के लिए सरहद पर अड्डा शरीफ की मजार पे लेके जा रहा हूं सुभाष बाबू हम यही रुकते हैं बाहर पुलिस से खतरा है जी बेहतर है कॉमरेड आबाद खान आपका बहुत बहुत शुक्रिया जब पमख देखा आपको आपकी मंजिल और हिंदुस्तान को आजादी नसीब हो द खुदाई पामान सुर सलाम सुर सलाम खुदा हाफिज खुदा हाफिज खुदा हाफिज